हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मिता फूड एंड फैशन। आज मैंने फूड सेक्शन में ये बहुत ही डिफरेंट मिक्स वेज बिरयानी बनाया है, जिसको मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें डिफरेंट क्या किया है। और अगर आप मेरे वीडियो पे अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जो है इसको ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दें और आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मिक्स वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स लिए हैं। आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, गाजर और अनियन लिया है और बीन्स लिए हैं और लेमन गार्निशिंग के लिए लिया है और यहाँ पे पीज लिया है, कॉलीफ्लावर लिया है। तो आप अपने यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। पोटैटो लिए हैं तो मैं उसमें पोटैटो जरूर डालती हूँ क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आते हैं। और टमाटो लिया है। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर, गरम मसाले में मैंने यहाँ पे तेज पत्ता 1 इंच के करीब मैंने यहाँ दालचीनी ली है, चक्रफूल लिया है और एक छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची लिए है। तो आप यहाँ पे अपने पसंद के कितने भी गरम मसाले यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है। आप अपने कोई भी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फूड ऑयल ले सकते हैं। ऑयल गर्म होने पर आप इसमें सारे जो सूखे मसाले हैं वो थोड़ी देर चटकने के लिए डाल दें। और मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, मैं ये बिरयानी कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है। 1 से 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे काजू लिया है, थोड़े से 5-6 दाने, तो वो डाल दे रही हूँ। बस थोड़ा सा इसे टेस्ट बढ़ जाता है। जब ये सब थोड़ा सा रेड हो जाए तो इसमें हम पोटैटो डाल देंगे। मैं बहुत ही क्विक रेसिपी बना रही हूँ इसलिए इन सबको फ्राई करके नहीं निकाल लेंगे, ये साथ में ही रख देते हैं। और आलू को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे आप पोटैटो डाल दें। और जो यहाँ पे जो फ्राई हो गया है उसको आप निकाल सकते हैं, जैसे काजू फ्राई हो गया तो उसको आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा रेड हो जाए पोटैटो तो आप यहाँ पर अब इसमें अनियन डाल दीजिए। 1 से 2 मिनट तक इसको सौते करने के बाद यहाँ पर हम कैरेट डाल देंगे सारा, क्योंकि कैरेट को भी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने पीस दिया था वो डाल देंगे क्योंकि इसको भी टाइम लगता है। और फिर इन सबको एक साथ मिलाकर सौते करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर हम कॉलीफ्लावर डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पे बीन्स डाल देंगे। और यहाँ पे ये याद रखना है कि गैस का फ्लेम हाई ही रखें क्योंकि ये सारे वेजेस जो है इसको हमें क्रंची ही रखना है। और यहाँ पे बीन्स डालने के बाद यहाँ पे हम कैप्सिकम डाल देंगे, तो ये भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपको कैप्सिकम का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लास्ट में हम यहाँ टमाटो डाल देंगे। वन टेबल स्पून के करीब आप यहाँ पे सॉल्ट डाल दें, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सूखे मसाले में यहाँ पर मैंने गोल मिर्च पाउडर लिया है, तो 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे गोल मिर्च पाउडर लिया है मैंने। और कश्मीरी मिर्च लिया, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हल्दी ली है, तो ये सब 1/2 स्पून लिया है। और 1 स्पून के करीब मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है। तो अगर आपके पास बिरयानी मसाला आप यूज़ करना चाहते हैं, उसका टेस्ट आपको पसंद है, तो ये सारे मसाले को स्किप करके सिर्फ 2 टेबल स्पून यहाँ पे बिरयानी मसाला आप डाल सकते हैं। अभी फ्लेम को हाई ही रखें और ये सारे मसाले जो सूखे मसाले हैं वो इसमें डाल दें। थोड़ा टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी यूज कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पर सॉस यूज कर रही हूँ, ये सिंपल टमाटो सॉस है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस मैं डाल रही हूँ। तो ये सॉसेस पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको सॉस का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिला दें। अब इसके ऊपर जो अनियन लीव्स था वो डाल दें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से ढक के पका लें, पकने तक, सब्जियों के पकने तक आप इसको पका लें। जब तक ये सब्जी पक रही है तब तक आप चावल को पका लें, तो चावल आप 90% तक कुक करके पका लें। ये मिक्स वेज आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब जो ये चावल हमने कुक किया था वो इसके अंदर डाल देंगे सारे।
तो चावल थोड़ा सा इसमें भी पकेगा, इसीलिए चावल को हमने 90% तक कुक किया था। अब इसको बहुत आराम से धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से चला ले इसको। इसको थोड़ा सा गार्निश करने के बाद यहाँ पे हल्का सा ऊपर से हम जो लेमन जूस है वो डाल देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे यहाँ पे। ये अब सर्व करने के लिए रेडी है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा और गार्निश करते हैं। यहाँ पे मैं सर्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चीज ग्रेट कर रही हूँ, जो कि गर्म में काफी अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव भी लगता है देखने में। तो ये हो गया, ये मैंने सर्व करने के लिए यहाँ पे चीज ग्रेट कर दिया है। इसको मैंने हरी चटनी के साथ प्रेजेंट किया है, तो आप इसको रायता या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। लास्ट तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल पे इसी तरह की न्यू रेसिपीज के लिए जरूर बने रहें। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।